वैशाली के महनाड़ में कुएं से एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कुएं के पास जमा हो गए। शव की पहचान महनाड़ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष शाहजहां खातून के पुत्री सोनम परवीन के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सोनम सुबह 10 बजे से ही घर से लापता थी, जिससे उसके परिजन खोज रहे थे। परिजनों को जैसे ही खबर मिली कि कुएं के पास एक युवती का शव है, तो परिजन तुरंत कुएं के पास पहुंचे और शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने युवती की हत्या का आरोप पड़ोस के एक युवक पर लगाया है। इस संबंध में एक नामजद समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मेरी बहन सुबह 10 बजे से गायब है, तो उसको हम लोग खोजबीन किए, कहीं पता उता नहीं चला। तो एक लड़का का नाम आया सालू कुमार, पिता मनोज कुमार सिंह, तो उससे बातचीत किया गया। तो वो लड़का हमको बोलता है कि हम भी तुम्हारा बहन को खोज रहे हैं। तो हम उससे पूछे, तू मेरा बहन को खोज रहा क्यों? तो वो धमकी उमकी हमको देने लगा और 8-10 गो मोटरसाइकिल से इधर उधर उस टाइम से बवाने लगा। और दूसरा वो कहने लगा कि तू उसको उसका बहन को कहीं खद्दा में या कुआं में देखो, वहीं मिल जाएगा, नहीं तो घर में होगा। तो हम बोले कि मेरी बहन पूरे गांव में नहीं है, हम उन लोग को पूरा खोज लिए हैं, गांव में नहीं मिला। संध्या 7:30-8 के बीच में लाइन कटी है, उस दरमियान गांव के लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ इंडा में हुआ है और पश्चिम की ओर कुछ लोग भागते हुए चले गए। तो इससे ये हो रहा है कि मनोज कुमार का पुत्र सालू कुमार सिंह ही मेरे बहन की हत्या करके फेंक दिया गया, और इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। पुलिस को सूचना दिए, एक घंटा हो गया, एक डेढ़ घंटा। उसके बाद मैं सर को फ़ोन किए तो बोले कि हम आ रहे हैं। तो प्रशासन अभी तक नहीं आए, लेकिन एक डेढ़ घंटा के बाद ही आए। और प्रशासन पूरा हमको कह रहे हैं कि ये बॉडी ले जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन हम लोग का कहना है कि जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक हम लोग बॉडी को नहीं ले जाने देंगे।